और चलिए अब आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जोधपुर दौरा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जोधपुर पहुंची, जोधपुर एयरपोर्ट से आबू रोड के लिए रवाना हो रही है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह, डीसीपी अमृता दुहल, जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने शिष्टाचार मुलाकात की है। पुलिस और प्रशासन के अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। एहतियात के तौर पर एयरपोर्ट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम नजर आ रहे हैं। सीआरपीएफ की टीमों को भेजा गया है, पुलिस की टीमें भी वहां पर मुस्तैद है। यानी कि सीआरपीएफ की टीम के अलावा पुलिस की टीम भी मुस्तैद नजर आ रही है, क्योंकि जोधपुर के दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, और आपको बता दें कि जोधपुर से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जो है आबू रोड के लिए रवाना होंगे। और पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह, डीसीपी अमृता दुहन, जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने शिष्टाचार मुलाकात की है। पुलिस और प्रशासन की अन्य अधिकारी भी मौजूद रहे। एहतियात की अगर बात की जाए तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम एयरपोर्ट पर किए गए हैं। सीआरपीएफ की टीम मौजूद है, पुलिस की टीम वहां पर मौजूद है, यानी कि सीआरपीएफ की टीम भी मुस्तैद है, पुलिस की टीम भी मुस्तैद है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको दे रहे हैं, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जोधपुर के दौरे पर, और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जोधपुर पहुंची हैं एयरपोर्ट पर, सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर लिए गए हैं। सीआरपीएफ मुस्तैद नजर आ रही है, पुलिस की टीम मुस्तैद नजर आ रही है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि आबू रोड भी जाने का कार्यक्रम है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का। पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह, डीसीपी अमृता दुहन और जिला कलेक्टर गौरव अग्रवाल ने शिष्टाचार मुलाकात भी उनसे की। पुलिस और प्रशासन की अन्य अधिकारी भी इस दौरान मौजूद रहे। एहतियात के तौर पर एयरपोर्ट पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। सीआरपीएफ की टीम के अलावा पुलिस की टीम भी मौजूद है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजीव गौड़ हमारे साथ बने हुए हैं। राजीव, देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जोधपुर का दौरा है, आबू रोड के लिए रवाना हो रही है जोधपुर एयरपोर्ट से, क्या कुछ जानकारी आपके पास राजीव? देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नागौर से जोधपुर पहुंचे। जोधपुर के एयरपोर्ट पर जिस तरीके से पुलिस कमिश्नर राजेंद्र सिंह हैं, यहाँ की डीसीपी अमृता दुहन हैं, कलेक्टर गौरव अग्रवाल है, उन्होंने उनकी अगवानी की है, उसके साथ ही वो रवाना भी हो गए हैं यहाँ से आबू रोड के लिए। और देखिए जसवंत सिंह बिश्नोई जो पूर्व सांसद हैं और साथ में अगर पूर्व जिला प्रमुख की बात करें तो पूनाराम चौधरी, उन्होंने मुलाकात की है और भाजपा के अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद रहे हैं। ये ट्रांजिट पॉइंट कहा जा सकता है, नागौर से आना, जोधपुर विमान का बदलना और आबू रोड के लिए निकल जाना। आबू रोड प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी आश्रम में मुख्यमंत्री के एक अधिवेशन में शामिल होने का कार्यक्रम है, लेकिन एयरपोर्ट पर चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं, लिहाजा पुलिस प्रशासन के तमाम जो अधिकारी हैं प्रोटोकॉल के तहत यहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ से मुख्यमंत्री आबू रोड के लिए रवाना हुए हैं। जी चलिए राजीव।